हेलो गाइस क्या हाल चाल है आप सभी के मेरा नाम अक्षम देखो हमारा बहुत ही ज़्यादा प्यारा चैनल साइकोप्रोलॉजी कैसे हो आप सब यार पहले ही कहूंगा टेलीग्राम लिंक नीचे उसे ज्वाइन कर लो अगर लिंक नहीं चलता तो टेलीग्राम पर सर्च कर लो साइकोप्रोलॉजी कम्युनिटी अपने आप आ जाएगी ज्वाइन कर लो बहुत प्यारी कम्युनिटी है सब एक दूसरे को एक्चुअली हेल्प करते हैं नाव आज मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करना चाहता हूँ एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसका रिव्यू मुझसे कॉन्स्टेंटली काफ़ी सारे कॉमेंट्स पूछ रहे थे एंड योर विश इज माई कमांड एट द एंड ऑफ द डे देर फोर आज हम रिव्यू करेंगे बेंगलोर है कहते हैं बेंगलुरु कहते हैं इतना मेरे को नहीं पता भाई हम रहते नॉर्थ इंडिया में बट आई जस्ट है ना लाइव इसका एनालिसिस करेंगे क्या ये अच्छी जगह है क्या ये बुरी जगह है हमें एकदम अच्छे से इसको समझना पड़ेगा ठीक है क्या आपको जाना चाहिए क्या आपको दूसरी स्टेट से यहाँ पे आना चाहिए क्या जो बच्चे वहीं रहते हैं बेंगलुरु में रहते हैं या वो वहाँ आसपास के एरियाज़ में रहते हैं क्या उनके लिए एक अच्छी चीज़ है ये देखेंगे क्या इस यूनिवर्सिटी की कोई अहमियत है क्या टीचर्स अच्छे हैं क्या फैकल्टी है क्या पढ़ाई है क्या कोर्सेज़ हैं सब कुछ एकदम डिटेल में अच्छे से करेंगे तो मेरे साथ रहिएगा ठीक है टेके? पूरी वीडियो को हम ऊपर से नीचे तक आपके साथ ही एनालाइज़ करूँगा मैं आप ही देख के बताना ठीक है ना सबसे पहले एक चीज समझते हैं भाई इस यूनिवर्सिटी का नाम क्या है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजी एंड रिसर्च नियरली हर बंदा सोचता है यार इंडियन इंस्टीट्यूट लिखा हुआ है इसका मतलब तो है भाई ये सरकारी है एवरी वन थिंग्स दैट बट ये सच नहीं है दिस इज अ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन प्लीज नंबर वन बात क्या है दिस इज एक्चुअली एन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन भैया ये एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है क्यों इट इज़ एफिलिय अब साथ ही साथ इट इज एफिलियटेड टू बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी देखो एक क्या होता है जब सपोज मैं अपना एक वो खोल के बैठ जाऊँ कल को मैं कहूँ साइकोप्रोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजी में खोल रहा हूँ तो मेरे को अफिलियट करना पड़ेगा खुद को किसी एक यूनिवर्सिटी के साथ या फिर मुझे खुद एक यूनिवर्सिटी बनना पड़ेगा ताकि मैं एक डिग्री बच्चों को दे सकूँ देखो डिग्री आप तभी दे सकते हो जब आप एक यूनिवर्सिटी का पार्ट हो जैसे कि लेट्स टॉक अबाउट रामजस कॉलेज इट इज एसोसिएटेड टू दिल्ली यूनिवर्सिटी लेट्स टॉक अबाउट इतने सारे आई गेस इज इज एसोसिएटेड टू है ना तो जैसे गुरु गोविंद सिंह आई यूनिवर्सिटी से बहुत सारे अलग अलग एसोसिएटेड होते हैं सिमिलरली आई टी एस के आई टी एस जो है वो अलग अलग उनसे यूपी की उनसे जुड़ी हुई है तो देर आर मल्टीपल प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस जो एक अलग यूनिवर्सिटी के साथ जुड़ जाते हैं पेपर जो चलते हैं उस यूनिवर्सिटी के हिसाब से चलते हैं ठीक है पहली बात तो ये दूसरी बात अगर आप नैक ग्रेड की बात करो यहां पे तो नाक तो डाल रखा है पर इनके पास कोई नाक ग्रेड है नहीं क्यों भैया ऑब्वियस ऑब्वियसली बात है क्योंकि ये एक कॉलेज है ठीक है जी एक यूनिवर्सिटी को नाक ग्रेड मिलता है भैया और इनके पास अभी भी नहीं है इन्होंने अंडर प्रोसेस भी डाल रखा हो तो भी इनके पास नहीं है पहली बात तो ये अच्छा दूसरी बात हम एक एक टॉप से चलते हैं भाई सबसे पहले तो आर कॉलेज के अंदर ठीक है जी दो के अंदर ये जगह स्टैब्लिश हुई थी बहुत ही रिसेंट है बहुत ही रिसेंट है ठीक है जी साथ ही साथ थोड़ी बहुत इन्होंने बातें करी है कहीं पे भी अपने ना ज्यादा कॉलेज को दिखाया नहीं है तो आई एल एक्चुअली शो यू द फर्स्ट द इंफ्रास्ट्रक्चर तो भैया इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें आप ये फोटो देख रहे हो दिस इज अ फाइव स्टोरी बिल्डिंग ये देखो ये हम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजी एंड रिसर्च को देख रहे हैं ये ये बिल्डिंग ही है आपका इंस्टीट्यूट और आप पहले ही देख के समझ जाओगे दिस लुक्स लाइक एन एम ऑफिस एंड इट इज

जुड़ा हुआ है ये देखो दिस दिस इज योर बिल्डिंग बेसिकली दिस ओवर हेयर जैसे एक स्कूल समझ सकते हो आप इसके साथ में ही चर्च है यहाँ पे कैसे लेट्स एक्चुअली लुक एट अ स्ट्रीट व्यू ऑफ दिस यू विल गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग तो सपोज अगर आप यहाँ पे हो तो आप देख सकते हो दिस इज द सिटी ठीक है दिस ओवर हेयर इज द बिल्डिंग है ना भाई और या अगर मैं आपको दूसरा दिखाऊँ लाइक दिस वन लुक एट दिस राइट तो दिस एक्चुअली ये यहाँ है ये देख रहे हो आई आई पी आर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजी एंड रिसर्च तो भाई ये इसका गेट है यहाँ पे एक चर्च है और साथ ही साथ ये बिल्डिंग बनी है ओल्ड ब्लॉक न्यू ब्लॉक के साथ साथ ऐसे कुछ समझ सकते हो आप ठीक है सो दिस इज हाउ इट इज ना हमने ये चीज देख ली भैया कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है इवन दो जगह सुंदर है जगह इज़ सुंदर बट इट्स वेरी छोटी तो यहाँ पे बच्चे कम पढ़ते हैं पहली चीज तो हम ये देखेंगे दूसरी चीज क्या क्या कोर्स ऑफर करते हैं तो देखो कोर्सेज के बारे में उन्होंने बहुत छोटे छोटे में बता रखा है यू जी कोर्सेज इनके पास तीन है बी ए साइकोलॉजी मार्केटिंग इकोनॉमिक्स यानी ट्रिपल मेजर डिग्री है ठीक है जी क्या क्या बी ए साइकोलॉजी मार्केटिंग इकोनॉमिक्स लेट मी एक्चुअली जूम इन टू दिस तो आपको एक बेटर दिखेगा हाँ भाई बी ए साइकोलॉजी मार्केटिंग इकोनॉमिक्स है दूसरा है बी ए साइकोलॉजी जर्नलिज्म एंड वुमेन स्टडीज ये देखो ये रहा और थर्ड है साइकोलॉजी जर्नल जर्नलिज्म और ऑप्शनल इंग्लिश तो आप ये यू जी लेवल पर कर सकते हो नंबर टू पी जी कोर्सेज में एमएससी साइकोलॉजी यानी जनरल साइकोलॉजी और इसके बारे में आपको ये डिटेल बताऊंगा इंपॉर्टेंट साथ ही साथ एमएससी जो स्पेसिफिक वाली है वो है काउंसलिंग के अंदर ठीक है बस ये दो कोर्सेज है जो पी जी कोर्सेज है कोई एम फिल का कोर्स नहीं है नथिंग एट ऑल ठीक है जी ना अब हमने ये बात कर ली कि क्या कोर्सेज मिलते हैं अब देखते हैं एडमिशन का क्राइटेरिया क्या है ठीक है तो एडमिशन क्राइटेरिया इज प्रटी बेसिक तो अगर मैं आपको एडमिशन के अंदर एलिजिबिलिटी एंड क्राइटेरिया बताऊँ तो इट्स प्रटी ओके ठीक है कि भाई सिंपल सी बात है आपके पास थ्री ईयर डिग्री होनी चाहिए फिफ्टी परसेंट मार्क्स मार्क्स होने चाहिए एमएससी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग करने के लिए आपके पास बीए इन काउंसलिंग एटलीस्ट वन सब्जेक्ट इन साइकोलॉजी रिलेटेड टू साइकोलॉजी बेसिकली अगर आपने कोई भी बैचलर्स डिग्री कर रखी है आपके पचास परसेंट मार्क्स हैं और आपने कभी भी एक सब्जेक्ट पढ़ा था साइकोलॉजी का देन यू आर एलिजिबल लेकिन आपने सपोज एक भी बार साइकोलॉजी नहीं पढ़ी बैचलर्स डिग्री यू आर नॉट सो एलिजिबल यू आर नॉट सो एलिजिबल ठीक है भाई तो ये बात इन्होंने सब बताई है टोटल सीट अवेलेबल है सिक्सटी पर कोर्स ये देखो भाई सिक्सटी पर कोर्स है एक दो तीन चार पाँच पाँच कोर्सेज है सिक्स फाइव ज थर्टी और सपोज हम सौ सौ क्या मैं पचास आपको कहूँ रिसर्च के बच्चे मान लिए है, है ना अच्छा पचास देखो टोटल सीट अवेलेबल और पी जी कोर्सेज थर्ट पचास और कम हो गया है ना डायरेक्ट एडमिशन थ्रू मैनेजमेंट कोटा में पच्चीस सीट है इनके पास अच्छा जी बेंगलुरु सेंट्रल यूनिवर्सिटी का कोटा वो पच्चीस सीट है ये देखो तो बहुत ज़्यादा देखो एक तो रिजर्वेशन आप कहो कि बेंगलुरु सिटी वाले लोगों के लिए है और जो वहीं रहते हैं उस एरिया में रहते हैं उन लोगों के लिए है बाहर वाले बच्चों के लिए फ़ीस भी ज़्यादा है अच्छा जी फीस के बारे में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दो ये देखो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप यहाँ पे जाओगे एडमिशन uh, में कोर्स फी में नियरली हर एक बंदा बताता है हमारी यार क्या फीस है बट दे हैव सिंपली सेड डिटेल ऑफ़ द कोर्स लेट मी एक्चुअली जूम इन टू दिस ये देखो details of the course fee and fee structure will be intimated to the selected candidates from the office of admission आपका जब तक select नहीं हो jata तब तक आपको fees के बारे में कुछ नहीं pata चलेगा number 2 देखो पहली चीज देखो this this is a big tactic done by uh, universities जिनको डर होता कि भाई बच्चे हमसे निकल जाएंगे जैसे सी वगैरह का रिजल्ट आएगा तो पहली एक दिक्कत तो ये है भैया आप देखो थोड़ा सा समझो आप थोड़ी इनकी साइकोलॉजी भी समझो नंबर टू पहली बात तो आपको फी स्ट्रक्चर सिर्फ तभी मिलेगा भैया जब आप हमारे पास एडमिशन लेने आओगे आपका सिलेक्शन हो जाएगा नंबर टू ये है सिंस ऑल द कोर्सेज आर यहां पे कहीं पे लिखा ये देखो सिलेक्टेड पे द प्रिस्क्राइब्ड कोर्स फी विद इन फोर वर्किंग डेज एट द कॉलेज कैश काउंटर टू कंफर्म सीट इफ द कैंडिडेट फेल्स टू पे द फीस विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम द सीट अलॉटेड में भी रिवोवड क्यों किया जाता है ताकि बच्चा पहले ही साल की फीस भर दे और भैया हमारे पास बच्चा अब गारंटेड आ गया अब मेरे पास वो सीट है जो भर चुकी है राइट right? तो ये एक थोड़ी सी दिक्कत मेरे को एक और दिखी यार यहाँ पर थोड़ा सा घपले वाली बाजी तो है और द फीस स्ट्रक्चर इज डिफरेंट फॉर स्टूडेंट फ्रॉम कर्नाटका स्टेट हो एक तो स्टेट वाले बच्चों के लिए कंसेशन है अदर स्टेट्स के लिए ज्यादा है एनआरआई के लिए ज़्यादा और फॉरन नेशनल के सबसे ज़्यादा है तो ये चीज भी आपको यहाँ पे दिख जाएगी तो कहीं ना कहीं ये देखो अपना फ्री स्ट्रक्चर छुपा रहे हैं दैट इज अ रॉन्ग थिंग अब देखते हैं थोड़ा बहुत फैकल्टी को फैकल्टी इज गुड इफ आई शो यू डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी क्या आप जितने भी देखोगे दे आर प्रीटी गुड ठीक है जी लाइक वी हैव दिस डॉक्टर सुनीता के दामोदर शी इज एचओडी ऑफ साइकोलॉजी यूजी एंड पीजी ठीक है जी तो इनके डी यू से एम ए साइकोलॉजी करी है पी एच डी भी डी यू से करी है इन्होंने नेट क्वालिफाइड है फिर यहाँ पे दूसरे प्रोफेसर आप देख सकते हो तो एसोसिएट है जो कि बेंगलुरु एम एस सी कर रखी है पी एच डी कर रखी है एम एस सी अप्लाइड साइकोलॉजी पी एच डी एम एस सी चाइल्ड साइकोलॉजी पी एच डी ए, ए, मास्टर ऑफ फिजियोथेरेपी देखो ये थोड़ा डिफरेंट है बट स्टिल चलो चलेगा ठीक है जी पीएचडी एच एच नियरली सारे के सारे हैं है ना एमएससी साइकोलॉजी एमए साइकोलॉजी ये सब करे बैठे हैं जो कि करनी भी पड़ती है तो इतने बुरे तो मैं नहीं कहूँगा टीचर्स हैं जितने मैंने रिव्यूज़ भी देखे ऑफ जेन्यन किड्स उसमें भी यही बात कही गई थी कि टीचर्स अच्छे हैं टीचर्स पढ़ाने वाले हैं जो नॉन टीचिंग स्टाफ है वो भी अच्छा है यहाँ पे एक चीज़ है एडजंक्ट फैकल्टी भी है जो एक्स्ट्रा फैकल्टीज की अगर हम बात करें यहाँ पर तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये भी काफ़ी सही क्वालिफाइड है नेट क्वालिफाइड अगर होते हैं तो काफ़ी अच्छे होते हैं अभी एम काउंसलिंग साइकोलॉजी एम यूनिवर्सिटी नोएडा से करके बैठे हैं पर एम इन्होंने देखो अपने निम्हन से करिए राइट right? तो एवरी वन इज़ आई वुड से कि फैकल्टी अच्छी है पढ़ाने वाली फैकल्टी है दैट इज़ फॉर श्योर ठीक है इसमें आपको कोई डाउट नहीं मिलेगा कि फैकल्टी नहीं पढ़ाती तो हमने ये दो तीन बातें यहाँ पे कवर कर ली अच्छा जी अब एकदम एक आखिर में मैं अपना जजमेंट बताऊँगा आपको वो उसके लिए ज़रूर बैठे रहना ठीक है ऑल राइट लेट्स टॉक अबाउट द फैसिलिटी यहां पे देखो प्लेसमेंट के लिए ये कहते तो हैं बहुत कुछ ठीक है डिपार्टमेंट ऑफ देखो फैकल्टी के फैसिलिटीज uh, में प्लेसमेंट में अकेडमिक करियर खोला तो वन एरिया स्पेशल स्टूडेंट नेक्स्ट टू चेंज टू अकेडमिकट अब एक इंपॉर्टेंट चीज है काफी सारे देखो अगर आपको एक ही चीज मल्टीपल चीज़ों में दिख जाए ना तो समझ जाया करो मल्टीपल रिव्यूज के अंदर मतलब वो चीज सच है मल्टीपल रिव्यूज आई हैव सीन उनके अंदर एक चीज लिखी है भैया कि प्लेसमेंट ये दे कोई देते ही नहीं है देर इज नो प्लेसमेंट फ्रॉम द यूनिवर्सिटीज साइड नंबर वन बात प्लेसमेंट सेल जो है दैट डज नॉट फंक्शन और सपोज आपको एन चाहिए फॉर इंटर्नशिप यू हैव टू रोम अराउंड बिहाइंड टीचर्स दिस इज क्लियरली स्टेटेड इन मल्टीपल रिव्यूज तो मैं कहूँगा कि ये बात सच ही हो ठीक है जिनसे हम फिजिकली देख रहे हैं, तो हम वही कर रहे हैं भैया एक फैक्टर एनालिसिस कर रहे हैं है ना भाई तो मेरे ख्याल से तो देखो यहाँ पे इंटर्नशिप और प्लेसमेंट का सीन खराब ही है पुअर है नॉट सो गुड अब बात करते हैं एक और चीज़ की कि यह जगह एक्चुअली कैसी है तो देखो आई आई पी आर बाग्लोर कैंपस टूर की अगर बात करूँ तो या सिर्फ आई आई पी आर बांगल्लोर लिख दूँ तो भैया पहली बात तो देर आर नॉट मच वीडियोज ऑन इट नॉट एट ऑल यहाँ पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज शुरू हो जाता है चार वीडियोज़ के बाद यहाँ हद से हद एक यूट्यूबर की हमें यहाँ पे वीडियो दिखती है एक साल पुरानी बाकी कहीं पे हमें कुछ नहीं दिखता यहाँ मिल जाता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजी एंड रिसर्च का पेज पाँच महीने पहले अगर आप आउट में जाए कब से शुरू है उन्नीस अगस्त दो से ये तो चैनल शुरू हुआ है फिफ्टी सब्सक्राइबर्स हैं है ना और यहाँ पर आप कोई भी वीडियो उठा के देख लो बहुत ज़्यादा कॉन्टेंट नहीं है आपको हालाँकि यहाँ पे एक इनसाइड मैं ज़रूर दिलवा सकता हूँ कि लाइक व्हाट विल बी हैपनिंग एक बार ऐड जान दो हम्म एक बार ऐड जानने देते हैं तो एक बार देख लेते हैं कि अंदर से कॉलेज कैसा है इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है भाई बुरा नहीं है टीचर भी ठीक है पर ओवरऑल इज इट वर्थ इट मैं आपको इस बात की जजमेंट अभी बताता हूँ एक बार हमारा ये आ जाए हाँ भाई देख लेंगे नेटफ्लिक्स पे भाई दिल पे क्यों लेते हो देख लेंगे ये रखो आई एम म्यूटिंग ऑडियो फॉर एनी थिंग ये देखिए ये इनका वो है ऑडिटोरियम है यहाँ पे कॉलेज क्वायर है अच्छा ये देखो ये चीज बताना मैं भूल गया लुक एट दीज गाइज

बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं कहूंगा मैं ऐसे बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं कहूंगा मतलब इट्स अ गुड यूनिवर्स यूनिवर्सन है बाकी अगर हम बात करें यार इनकी प्रेजेंस की तो प्रेजेंस बहुत ही कम है यार ऑनेस्टली देखो एक बड़ा नाम रखने से ना सबके दिमाग में बन जाता है दिस इज अ ग्रेट साइकोलॉजिकल टेक्निक यू जस्ट हैव हैम योर सेल्फ समथिंग रिलेटेड टू इंडियन मैं यहाँ पे लिख लू इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजी कर दू डेली इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजी तो वही सब बच्चे मेरे पे मान लग जाएंगे है ना नॉर्थ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजी कुछ नाम रख दैट डज नॉट मेक मी अ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन राइट तो यहाँ पे आप देख सकते हो अगर इनका कोई बाहर कैंपस के बच्चों के साथ हुआ भी है चिल्ड्रंस डे आउटरीच प्रोग्राम तो आप देख सकते हो आउटरीच में अलग अलग, अलग जगह पे तो गए हैं पर आप देख सकते हो कुछ भी बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकल रिलेटेड नहीं हुआ है like, again, it's a help, I know. पर जैसे आप इंटर्नशिप सोचते हो क्लिनिकल साइकोलॉजी एंड ऑल की वो अच्छा इससे रिलेटेड एक बात समझ आई मेरे को याद आई यार कि जब आप यहाँ पे बात करोगे एम एस सी साइकोलॉजी की देखो एमएससी एमएससी है यहां पे ना एमएससी साइकोलॉजी में आप चार चीजें पढ़ते हो चाइल्ड साइकोलॉजी क्लीनिकल साइकोलॉजी काउंसलिंग साइकोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी तो आप चार सेमेस्टर में चार ये पढ़ते हो ये देखो सेमेस्टर वन के अंदर ये वगैरह आ गए एक्सपीरियंस एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी वगैरह फिर यहाँ पे रिसर्च मेथड्स वगैरह आ गए फिर साइकोपैथोलॉजी वगैरह आ गए ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर आ गया है ना और अगेन तो बेसिकली चारों सेमेस्टर के अंदर एक 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 टॉपिक चारों सब्जेक्ट का डाल दिया जाता है तो दिस इज मोस्ट प्रोबेबली लाइक एम साइकोलॉजी फ्रॉम डी ये सेम पैटर्न वो भी अपनाते हैं ठीक है ना चलो हमने बहुत बातचीत कर ली यार रिव्यूज भी देख लिए क्या आपको जाना चाहिए क्या नहीं जाना चाहिए देखो किसको जाना चाहिए किसको नहीं जाना चाहिए आई वोट कमेंट दैट आई वुड जस्ट से कि अगर मैं होता मैं नहीं जाता क्यों पहली बात तो आई बिलोंग टू नॉर्थ इंडिया ठीक है जी ये इंस्टीट्यूशन बहुत छोटा है दिस इज एक्चुअली वेरी स्मॉल इंस्टीट्यूशन इट्स अ गुड प्यारा इंस्टीट्यूट बट इज इट वर्थ इट गोइंग देर आई डोंट पर्सनली फील सो ये मेरा पर्सनल रिव्यू है प्लीज ये मत कहना आपने इन्फ्लुएंस कर दिया ये हो गया वो हो गया देखो जितनी हमें इंफॉर्मेशन दिख रही है जैसा हमें जगह दिख रही है गुड इंस्टीट्यूट है बट इट्स मोर मोस्ट प्रोबेबली गुड फॉर द पीपल लिव इन साउथ इंडिया जो एक छोटे इंस्टीट्यूट में जाना चाहते हैं जो वहां के लोकल्स ही हैं इट्स अ गुड वन फॉर लोकल्स इज इट वर्थ गोइंग टू बेंगलुरु बिकॉज यहाँ पे कोई हॉस्टल फैसिलिटी नहीं है सिर्फ एक आपके पास कैंटीन है ठीक है जी आपको हॉस्टल अलग से लेना पड़ेगा पीजी अलग से लेना पड़ेगा तो इज इट वर्थ इट आई डोंट फील सो क्योंकि एट इट्स अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भाई और इट्स प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन तो अगर आपको प्राइवेट ही करना है तो इतना पैसा भी लगाना है तो क्राइस्ट ही कर लो इसकी भी फीस अगर स्ट्रक्चर की हम बात करें बहुत कम नहीं होगा अराउंड आई वुड से थर्टी टू एटी थाउजेंड पर सेमेस्टर मेरे ख्याल से इसके बीच में होगा जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर तो हो आई तो से वु थाउजेंड पर सेमेस्टर तो होगा ही ठीक है तो फिफ्टी सिक्सटी पर थाउजेंड से पर सेमेस्टर यानी एक लाख दस हजार एक लाख बीस हजार इतनी आपको फीस पड़ जाएगी मेरे अकॉर्डिंग पर ईयर की तो क्या ये वर्थ इट है मेरे हिसाब से नहीं है ठीक है इट्स अ गुड वन एक एक्टिविटीज होती है इनका इनसाइट करके वो भी होता है एक एनुअल कल्चरल प्रोग्राम भी होता है इट्स गुड फॉर द पीपल जो वहां पे रहते हैं ऑलरेडी क्योंकि पास की पास चीज़ है छोटी की छोटी चीजें एक क्लोजनेट एनवायरनमेंट है लेकिन अगर आप सपोज अपने करियर इन साइकोलॉजी के बारे में फोकस हो पहली बात तो सी यूटी पे मेहनत करो भाई है ना उसको अपना बेहतरीन देने की बेस्ट देने की कोशिश करो सी को नहीं दे पाते तो यू हैव क्राइस्ट यू हैव एमिटी यू हैव शारदा यू हैव और भी बहुत सारे जिनके हम आगे बात करेंगे क्राइस्ट को तो नंबर वन में रखो और उसका आप क्रैक भी कर लोगे इतना मुश्किल भी नहीं होगा एंड दैट इज मच मोर वैल्यूबल देखो सीकर एक इनकी कैफे है वहाँ पे तो मेरे हिसाब से मेरा प्रोडक्ट तो यही है गुड है इसको मैं आउट ऑफ फाइव कितना हूँ भाई मेरे हिसाब से तो थ्री ही है प्लेसमेंट वगैरह नहीं मिलती ठीक है जी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है माइनस इसका भी पॉइंट है ठीक है जी बहुत छोटा है पांच फ्लोर की बस बिल्डिंग है ये भी एक बहुत कम बात है ठीक है टीचर्स पढ़े लिखे हैं दैट्स अ प्लस पॉइंट पढ़ाई वाला इन्वायरमेंट है दैट्स अ प्लस पॉइंट एक्टिविटीज होती है दैट्स अ प्लस पॉइंट पर बहुत छोटा है तो आपके लिए जाना इतना अच्छी बात नहीं है फॉर बहुत दूर दूर से यहां पहुंचना मेरे हिसाब से जस्ट नाम के पीछे मत जाओ इट्स अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन एट द एंड ऑफ द डे तो आपकी वैल्यू प्राइवेट वाली ही होगी राइट तो इट्स बेस्ट कि आप अपने जीवन में उधर इन्वेस्ट करो यार पैसे और मेहनत और टाइम जहां पे आपकी वैल्यू भी हो क्योंकि अगर आप यूजी लेवल की बात करो भाई यूजी में यू हैव मच मोर ऑप्शंस बहुत है ऑप्शंस है लेकिन कोई बंदा वहां पे साउथ इंडिया में रहता है इट्स अ गुड वन फॉर देम फॉर नॉर्थ इंडियंस फॉर अलग अलग पार्ट ऑफ इंडिया आई वे की इतनी दूर जाना फॉर दिस स्मॉल ऑफ स्मोल प्लेस आई वोट रिकमेंड दैट ठीक है जी या तो आपका कोई चाचा मोमा मामा फूफा बतेरा अगर कोई रहता हो तो बात अलग है बट उसके बिना आई डोंट फील सो तो दैट वॉज माई वर्डिक अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो अगर आपको कोई कॉन्ट्रास्ट ऑफ ओपिनियं है तो वो भी नीचे कॉमेंट करो यार कोई चीज रह गई हो तो उसके बारे में भी पूछो कोई चीज ऐड करनी हो तो उसके बारे में बताओ विद दैट आई वुड लीव दिस वीडियो आई वु दिस वीडियो आई वक्म थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो जय हिंद जय भारत